हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है पुष्पा की, जिसे साउथ इंडियन खाना खाना बहुत पसंद था। वो जहाँ भी जाती सिर्फ साउथ इंडियन खाना ही खाती। ऐसे ही समय बीतता है और वो एक दिन अपने दोस्त करण के साथ मार्केट में घूम रही होती है कि तभी करण पुष्पा से कहता है, अरे पुष्पा, हम कब से मार्केट में घूम रहे हैं? अब मुझे ना बहुत जोर की भूख लगी है, चलो ना कुछ खा लेते हैं, किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं ना। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है, चलो किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में चलते हैं। मैं इंडियन खा के पक चुकी हूँ, मुझे भी नया टेस्ट करना है। दोनों साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पहुँचते हैं और साउथ फूड ऑर्डर करते हैं। पुष्पा ने आज से पहले साउथ फूड कभी नहीं खाया था। उसको वो खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन करण को वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पुष्पा करण से कहती है, कितना मस्त है यार ये आज खाना, ये पहले टेस्ट नहीं किया और आज खाकर पता चला, अगर खाना है तो साउथ इंडियन खाना खाओ। ये इडली, डोसा, सांभर, क्या स्वाद है, मजा आ गया। तुम्हें कैसा लगा करण ये खाना? करण पुष्पा को पसंद करता था, इसलिए उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ उससे कहता है, हाँ सच में बहुत स्वाद है इस खाने में, आज से पहले मैंने कभी खाया नहीं है था टेस्टी खाना। अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी बात मान ली और इस जगह पर आ गया, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि साउथ इंडियन फूड कितना टेस्टी होता है। कुछ देर में दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है और अब पुष्पा आए दिन साउथ इंडियन खाना खाने रेस्टोरेंट पहुँच जाया करती और आए दिन यही सब खाती। एक दिन पुष्पा बहुत सारा साउथ इंडियन खाना पैक करवा कर अपने घर ले जाती है। ये सब देखकर पुष्पा की माँ कमला उससे कहती है, अरे ये सब क्या उठाकर लेकर आई? माँ ये साउथ इंडियन खाना है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं पैक करवा कर ले आई हूँ, आप भी खाओ, आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ बेटी, तू बस माँ बाप के पैसे बहा के खाने में उड़ा, क्योंकि तुझसे कोई और समझदारी का काम तो होता ही नहीं है, और ये सब मुझे नहीं खाना। ठीक है माँ, मत खाओ, लेकिन बाद में नहीं कहना कि पूछा नहीं, बाकी तो मैं खा रही हूँ, मुझे तो साउथ इंडियन फूड कितना भी खिलाओ कम है। बस एक दिन खाया था अपने दोस्त करण के साथ, उसके बाद से तो इसके अलावा कुछ और पसंद ही नहीं आता मुझे। चल खा ले अपना ये साउथ इंडियन खाना और मेरी बात कान खोल कर सुन ले। और तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं तेरी शादी की बात करने, लड़का एक अच्छे परिवार से है और बहुत ही सुंदर है। माँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या उस लड़के को साउथ इंडियन खाना तो पसंद है? उसको पहले ही बोल देना कि मुझसे शादी करनी है तो साउथ इंडियन खाना भी खाना पड़ेगा। मुँह बंद करती है अपना या लगाओ एक खींच कर थप्पड़, जब देखो तब जुबान लड़ाती रहती है। दो दिनों बाद पुष्पा को लड़के वाले देखने आते हैं और कुछ वक्त बीतने के बाद पुष्पा की शादी विकास नाम के लड़के से हो जाती है। ससुराल में सुबह पुष्पा सबके लिए खाना बना कर लाती है और सभी को पुष्पा के हाथ का खाना बहुत ही पसंद आता है। तभी पुष्पा की सास विमला पुष्पा से कहती है, अरे बहू, तूने हम सबको तो खाना खिला दिया लेकिन खुद नहीं खाया, तू भी तो खाना खाना बहू, खाना कम पड़ गया क्या तेरे लिए? नहीं माँ जी, वो ऐसा नहीं है, मुझे अभी भूख नहीं है। इतना कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है और कमरे में जाकर अपने पति विकास से कहती है, सुनिए जी, मुझे ना ये घर का खाना नहीं खाना है। घर का खाना नहीं है तो फिर क्या खाना है तुम्हें? मुझे बाहर का साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है, आप मेरे लिए बाहर से साउथ इंडियन खाना लेकर आइए ना। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। कुछ देर में विकास साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से पुष्पा के लिए इडली, डोसा, सांभर लेकर आता है। पुष्पा विकास के हाथ से खाने का बॉक्स लेती है और अपने कमरे में जाकर फटाफट खाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और पुष्पा आए दिन विकास से साउथ इंडियन खाना मंगवाती रहती और खाया करती। विमला को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो एक दिन अपनी बहू पुष्पा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, तूने ये क्या ड्रामा लगा रखा है, हर रोज ये इडली, डोसा, पता नहीं क्या क्या मंगवा कर खाती रहती है, और बेटा तू इसे रोकने की बजाय तू इसको ला ला कर खिलाता रहता है। अरे इसको ये सब इतना ही पसंद है तो खुद बनाकर खाए ना, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। माँ यही तो दिक्कत है, इसको साउथ इंडियन खाना पसंद है लेकिन बनाना नहीं आता इसको। पुष्पा कोई बात नहीं, अब माँ तुम्हारे लिए बना दिया करेंगी साउथ इंडियन खाना।
अरे मैं कब से बनाने लगी है साउथ इंडियन खाना, और इसको क्या बस खाना आता है बनाना नहीं आता? इसकी माँ ने सिर्फ इसको खाना ही सिखाया है, बनाना नहीं सिखाया, और मैं क्यों बनाऊँ? मैं सास हूँ, मुझे मेरी बहू बनाकर खिलाएगी। बीते समय के साथ अब विमला विकास को बाहर से साउथ इंडियन खाना लाने से मना कर देती है। अब तो पुष्पा का और भी बुरा हाल हो जाता है। लेकिन उसको एक दिन पता चलता है कि उसकी पड़ोसन मेघना साउथ की है और वो साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो पुष्पा अब हर दिन उसके घर चली जाया करती साउथ इंडियन खाना खाने के लिए। अब तो मेघना का आए दिन पुष्पा के घर आना जाना लगा ही रहता था, जिससे मेघना को बहुत बुरा लगता। और एक दिन वो पुष्पा को साउथ इंडियन खाना बनाकर दे रही थी, तभी कहती है, तुमको जब साउथ इंडियन खाना इतना पसंद है तो तुम अपने घर क्यों नहीं बना लेती? तुम रोज रोज यहाँ आकर खाना खाती हो, तुमको तुम्हारी सास कुछ नहीं कहती है क्या? तुम आए दिन यहाँ आ जाती हो। अरे नहीं, मेरी सास को कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहीं भी खाऊं या ना खाऊं। पुष्पा की ये बातें सुनकर मेघना मन ही मन कहती है, हाँ तेरी सास को क्यों बुरा लगेगा, राशन और गैस तो मेरी लगती है ना, तुझे तो मुफ्त में ठूसने को मिल जाता है, पता नहीं कब मुझे इस भुक्कड़ से छुटकारा मिलेगी। क्या हो गया मेघना, तुम चुप क्यों हो गई? नहीं पुष्पा कुछ नहीं, मुझे तो अच्छा लगती है कि तुम मेरे घर आती हो, तुमसे बात करके मेरा भी मन लग जाती है। ठीक है मेघना, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है और बहुत खा भी लिया है। अब तो मेघना को पुष्पा का ये बार बार घर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो चाहती थी कि कैसे भी करके बस पुष्पा का घर आना बंद हो जाए। ऐसे ही समय बीतता है, पुष्पा फिर हमेशा की तरह मेघना के घर चली जाती है, और आज मेघना जानबूझकर उसके लिए बहुत ही ज्यादा मिर्ची डालकर डोसा बना देती है। पुष्पा मेघना के हाथ का डोसा खाती है और कुछ समय बाद अपने घर लौट आती है। कुछ देर बाद पुष्पा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, उसे तेज बुखार, उल्टी और दस्त लग जाते हैं। विमला अपनी बहू पुष्पा के पास जाती है और उससे कहती है, देख बहू आज तेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई ये सब खाकर। चल खाना तो अलग बात है, लेकिन तूने तो ये अपने घर में साउथ इंडियन खाना ना मिलने के बाद किसी और के घर में खाना शुरू कर दिया। आज तुझे खुद बनाना आता होता तो ये दिन तुझे नहीं देखना पड़ता। अब तो तू देखने नहीं गई कि उसने खाने में क्या मिलाया क्या नहीं, तूने बस साउथ इंडियन खाना देखा और कूद पड़ी, जिसका अंजाम अब तू खुद भुगत रही है। हाँ पुष्पा, माँ एकदम ठीक कह रही है, कोई भी चीज ना खाना गलत नहीं है, लेकिन हर चीज खाने की लिमिट होती है, लेकिन तुम्हारी कोई लिमिट ना होने के कारण ये सब हुआ है। इतना होने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि अब तुम दोबारा वही गलती करोगी। नहीं, अब मैं कभी भी किसी चीज को लिमिट से ज्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन लिमिट में तो खा सकती हूँ ना, तो अब तुम भी कभी कभी मेरे लिए साउथ इंडियन खाना लेकर ही आना। इतना होने के बाद भी तुम्हें कभी भी खाना ही है ये? अभी तुमने ही तो बोला लिमिट में खा सकते हैं, अब मैं रोज रोज नहीं मांग रही ना। ये बहू भी ना, हाँ ठीक है कभी कभी खा लियो मर मत, लेकिन उससे पहले ठीक तो हो जा पूरी तरह से। कुछ दिनों में अब पुष्पा की तबीयत भी पूरी तरह ठीक हो जाती है, और अब उसकी ये साउथ इंडियन खाना खाने की लत भी कम हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।